हमारी मांगे हमारी मांगे, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। इस वक्त राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ में स्थित मामा बालेश्वर दयालु महाविद्यालय पर आज छात्र छात्राओं ने अपनी मांगों को लेकर प्रशासन सरकार को अवगत कराया था, पर्याप्त स्टाफ नहीं होने की वजह से, और आज 16 तारीख का अल्टीमेटम था और उन्होंने तालाबंदी की है। जानिए आप लोग किस लिए तालाबंदी करके विरोध जता रहे हो। सर हमने ज्ञापन दिया था, तो ज्ञापन में हमने 16 तारीख का अल्टीमेटम दिया था प्रशासन को कि हमारे महाविद्यालय में कुल 47 पद स्वीकृति हैं, उसमें से फिलहाल में गवर्नमेंट अनुसार देखा था 3 ही उपलब्ध हैं और अभी एकाध पोस्ट और आई हैं, लेकिन अभी तक क्या है कि हमारे महाविद्यालय में 40 के आसपास पद आ स्वीकृति पड़े हैं और उनको अभी तक भरे नहीं हैं। सरकार को हमने प्रशासन को अवगत कराया था कि हमारी मांगे जल्दी से अगर पूर्ण नहीं होती तो हम धरने पर बैठेंगे, इसको लेकर ही हम धरने पर बैठे हैं। अगर नहीं अगर मांगे होती तो हम यहाँ से धरना प्रदर्शन करते हुए SDO कार्यालय जाएंगे और वहाँ पर ज्ञापन देंगे और वहाँ भी धरना करेंगे SDO सबके सामने भी। मामा बालेश्वर महाविद्यालय कुशलगढ़ में व्याख्याताओं के रिक्त पदों को लेकर यहाँ के छात्र छात्राओं ने जो अल्टीमेटम दिया था 16 का, आज तहसीलदार साहब भी यहाँ पर आए, मैं यहाँ के प्रिंसिपल परमार साहब के पास आपको ले चलता हूँ। परमार साहब आप ये बताइए कि कॉलेज स्तर और प्रशासन और राज्य सरकार ने यहाँ के छात्रों हित को देखते हुए क्या कदम उठाए? देखिए आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा स्तर पर बहुत प्रभावी कदम उठाए गए हैं और सरकार ने विद्या संबल योजना लागू की है। जिन महाविद्यालयों में प्राध्यापकों के पद रिक्त हैं उन सभी पदों को भरने के लिए सरकार और आयुक्तालय बहुत मुस्तैद है। हमारे महाविद्यालय में टोटल 20 व्याख्याताओं के पद सृजित हैं, उनमें से विद्या संबल के तहत 5 पद व्याख्याताओं के विद्या संबल से भर दिए गए हैं और विज्ञान में वनस्पति शास्त्र भौतिक शास्त्र और गणित के विद्या संबल के व्याख्याता शीघ्र ही ज्वाइनिंग देने वाले हैं। कन्या महाविद्यालय में 7 व्याख्याताओं के पद विद्या संबल से शीघ्र ही भरे जाएंगे और मामा बालेश्वर दयाल राजकीय महाविद्यालय में भी जो पद रिक्त हैं उनको भी विद्या संबल से शीघ्र ही भरा जाएगा। आयुक्तालय स्तर से जो स्वीकृतियाँ जारी होनी हैं वो पेंडिंग हैं, जैसे ही वहाँ से हमें अप्रूवल मिलता है संभवतः 30 सितंबर तक इस प्रक्रिया को पूरी होने की संभावना है और कोई पद इस महाविद्यालय में खाली नहीं रहेगा, केवल प्राचार्य का ही पद रिक्त है जो कि कार्यवाहक प्राचार्य के जिम्मे चल रहा है। अभी छात्रों ने यह बताया था तहसीलदार साहब के सामने कि लेबर टीम में भी यहाँ, क्योंकि यह काम आयुक्तालय स्तर का है और इस कार्य के लिए वित्तीय प्रभार सरकार को देना होता है, वित्तीय प्रभार होता है, भूगोल विभाग में विज्ञान में सब जगह प्रयोगशाला सहायक होते हैं, इसके लिए सरकार इन पदों को सृजित करती है और जब सृजन होगा तो उन्हें वित्तीय प्रभार भी देना पड़ता है, तो ये राज्य सरकार का मुद्दा है, तो जरूर विद्यार्थी और यहाँ के जन नेता इस मुद्दे को उठाएंगे तो यहाँ ये सारे पद भरे जा सकते हैं। छात्र संघ के आप कॉलेज अध्यक्ष हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो कॉलेज में आते हैं तो उन्होंने मतलब बैठे रहते हैं, कोई पढ़ाई टाइम से होती नहीं है, तो हमारे मतलब जो 36 पद रिक्त पद पड़े हैं उनको शीघ्र भरा जाए या लिखित रूप में लिया जाए। इस वक्त कुशलगढ़ के मामा बालेश्वर दयाल महाविद्यालय पर छात्र छात्राओं के व्याख्याताओं की मांगों को लेकर जो अल्टीमेटम दिया गया था 16 तारीख का, आज मौके पर छात्र छात्राएं और छात्र संघ पदाधिकारी भी मौजूद है यहाँ, कुशलगढ़ तहसीलदार साहब भी यहाँ पर मौजूद है। तहसीलदार साहब को अपनी समस्या से अवगत कराते हुए मैं श्रीमान तहसीलदार साहब आप थोड़ा सा बताएंगे छात्रों की समस्या के बारे में, क्या क्या आप मौके पर आए और क्या क्या हुआ? जैसे कि मुझे यहाँ अवगत हुआ कि प्रिंसिपल साहब ने फोन किया था, बच्चे जो हैं ज्ञापन के बाद में उनकी मांगों पूरी नहीं होने के कारण बैठे हैं, आके बात करें,
प्रिंसिपल साहब से भी बात करी, उन्होंने कहा कि जो पोस्टें खाली हैं उसमें से अधिकांश जो पोस्टें हैं वो विद्या संबल योजना में प्रोसेस चल रहा है, तो सितंबर तक रहेगा कि संभावना है कि पोस्टें भर जाएं। बच्चों को भी अवगत करा दिया है, बच्चों ने भी इसकी कॉपी ले ली है, तो अभी तक तो सबको समझाइश कर दी है। प्रयास ये रहेगा कि विद्या संबल योजना में टीचर आ जाए, और बाकी जो टीचर है उसके लिए जो वैकेंसीज हैं जो अपन ने आयुक्त लिया आपने भी भिजवा दिया ज्ञापन, और हमारी तरफ से कलेक्टर साहब को भी भिजवा दिया।